हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में, जहाँ आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड डैशबोर्ड। तो सर, इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल डैशबोर्ड के पार्ट में प्लान और वीएस की, प्लान और एक्चुअल का जो वेरिएंस है उसकी एनालिटिक्स कैसे करें। एक सिंपल डेटा भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में बताऊंगा कि जो फाइल है जिससे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, वो आपको कहाँ से मिलेगी। और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। तो मैं अपनी स्क्रीन दे रहा हूँ। मेरे पास सिंपल सा एक डेटा है, मेरे पास पर्सन के नेम्स हैं, उन्होंने कितनी सेल, हम उनके साथ जो प्लानिंग किया थी सेल्स की, और उन्होंने एक्चुअली सेल किया कितना। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे कि हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इसको तो और ही तरीके से किया जा सकता है कि मैं इसको सिंपल पिवट टेबल से करके दिखा रहा हूँ। पिवट टेबल पे क्लिक किया एंड ओके। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रख दिया अपना नेम, इसके बाद रखा प्लान का कि कितने सेल्स टोटल प्लान किए गए, सम ऑफ, और एक्चुअल सेल्स हुआ कितना। अब मुझे इनका वेरिएंस चाहिए, वो भी पिवट टेबल के अंदर। मैं बाहर से कोई कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं पिवट टेबल में ही लेना चाह रहा हूँ। तो क्या होना चाहिए, जैसे कि अगर मैं निकालूं तो भाई 929 प्लान किया गया था और 1292 जो है हुआ है, तो आखिर में कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है। तो क्या करेंगे, हम करेंगे लेटेस्ट ब्रैकेट में, हम बात करेंगे कि प्लान एक्चुअल माइनस प्लान और डिवाइड कर देंगे बाय प्लान, से पता चलेगा कि 39% जो है ज्यादा प्लस में है और माइनस होगा तो माइनस में होगा। बट एक कैलकुलेशन मुझे पिवट के अंदर करनी है, तो कैसे करें, तो आप जो है पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पिवट टेबल एनालाइज में आपको दिखेगा फिल आइटम सेट, इस फिल आइटम सेट पे जाइए, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ चेंज या वेरिएंस, और यहाँ पे हम करते हैं ब्रैकेट में यहाँ पे एक्चुअल माइनस प्लान डिवाइड बाय प्लान एंड इसको ऐड कर दी, डिवाइड बाई प्लान में थी, डिवाइड हमने नहीं किया, डिवाइड बाई प्लान, और इसको ऐड करके ओके कर दिया। ये हमारे आ गया वेरिएंस। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंट डेटा साइन लगा दिया। अब इसमें बात आती है कि सिर्फ इतना से नहीं होगा, मुझे इस पे विजुलाइजेशन भी तैयार करना होगा। तो यहाँ पे नेम, यहाँ पे प्लान, अब इनसे बड़ा प्लान नहीं लेगा तो मैंने स्पेस दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया इसने। और यहां पे एक्चुअल, एक्चुअल ने लिया स्पेस कर दिया, और यहां पे रियल स्पेस को भी कर देता हूं। अब मैं इस पे इंसर्ट करता हूं अपना चार्ट, हमने चार्ट इंसर्ट कर लिया, क्या आ गया, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं। सबसे पहले तो मुझे इसमें सेकेंडरी एक्सेस चाहिए, क्योंकि मेरा जो वेरिएंस है वो शो नहीं हो रहा, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको इसको सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी एक चार्ट को करता हूँ चेन चार्ट टाइप, चेन चार्ट टाइप, और चेन चार्ट टाइप में हमने क्या किया, जो वेरिएंस है इसको लाइन जो है लाइन कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ बिटमार्क, और इसको क्लिक कर देता हूँ, आ गया। अब मेरा ए आ गया हमारा वेरिएंस का। उसके बाद हमने इसको राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डेटा थ्री, इसमें इसमें आता हूँ, इसकी गैप को बढ़ा देता हूं,
100%। और इसकी जो कलर है फिल कलर, इसको हम करते हैं सॉलिड, और सॉलिड में करते हैं ब्लैक, और ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा दे देता हूँ पीछे भी। हो गया, तो ये हमारा क्या है एक्चुअल। तो बेसिकली हमें ये जो हो रहा है उसको टू की जगह से हमें वन करना होगा ताकि पीछे जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपर निकल गया है मतलब कि प्लांट से अबव गया है, तो नीचे गया है जो इसमें ब्लू कलर पीछे दिख रहा है मतलब कि इसमें प्लांट से कम किया है सॉलिड फिल्म में, ब्लैक हमने थोड़ा सा गलती से हमने इसको करना है ग्रे कलर जो हमारा प्लान है, अब इसको करना है ब्लैक कलर, बट हमें इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी है तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी में घटा देता हूँ जी, और थोड़ा सा मैं इसकी जो विड्थ है वो थोड़ा सा छोटा कर, ये सही हो गया। अब इसको एक्चुअल होगा, इसको और ज्यादा अगर हम करना चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, हम जो है एक अलग चीज पे आता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, और इसमें हम रजिस्ट्रेशन में एरो की लेते हैं, इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसकी कलर जो है आउटलाइन जो है नो आउटलाइन, इसको कॉपी करता हूं और यहां जो ब्लैक कलर वाली पार्ट है इसको सिलेक्ट करता हूं राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा 3 और हम फिल में पिक्चर एंड क्लिप बोर्ड। अब जो है थोड़ा सा बेटर लग रहा है, और पीछे का जो है थोड़ा सा इसको सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा और कोई और ठोस कलर दे देते हैं ताकि दिखे, अब बेटर है। तो अब पता चला है कि हमारे एक्चुअल और प्लान के बीच में क्या है और वेरिएंस का क्या पोजीशन से हमने इससे नाप लिया। ओके, अब इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं, वेरिएंस का अगर नहीं शो करना है तो नहीं भी शो कर सकते हैं, करना है तो ठीक है। तो इस तरह से हम अपना एक्चुअल एंड प्लान के अंदर से पिवट टेबल के थ्रू करते हैं, और जो कैलकुलेशन है वो हम पिवट टेबल के थ्रू इजीली कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इसकी जो डाउनलोडिंग लिंक है इस फाइल की नीचे डिस्क्रिप्शन से देखिए, आपको iptindia.com का पाथ आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। फिर भी कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, किसी तरह की चीजें इंफॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए तो मेरा नंबर ऊपर दिया है, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करने में। थैंक यू।